प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अंजलि शर्मा, कक्षा 8वीं की छात्रा, आपके समक्ष खादी महोत्सव के उपलक्ष्य पर खादी बापू का सपना विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने विचार सोहनलाल द्विवेदी जी के इस गीत की पंक्तियों से करती हूँ। खादी के धागे धागे में अपने पन का अभिमान भरा, माता का इसमें अभिमान भरा, अन्याय का अपमान भरा। खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, यह वाक्य हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहे थे। खादी का नाम आते ही आज भी हमारे जहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की छवि उभरती है। वो तस्वीर जिसमें महात्मा गांधी जी हाथ में सूत लिए चरखा चलाते हुए नजर आते हैं। खादी हमेशा से ही हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसने भी आज भी फैशन की दुनिया में अपना नाम शुमार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या रिश्ता है खादी और बापू का। क्या है खादी? खादी जिसे खद्दर भी कहा जाता है, खादी हाथ से बनने वाले वस्त्र को कहते हैं। खादी कपड़े रेशम तथा ऊन के बने हो सकते हैं। खादी वस्त्र की विशेषता यह है कि यह हमारे शरीर को सर्दी में गर्म तथा गर्मी में ठंडा रखते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी असली पहचान महात्मा गांधी जी और हमारे देश की आजादी की पहली लड़ाई से है। महात्मा गांधी खादी का महत्व। खादी भारतीय कपड़ा विरासत का प्रतीक है। भारत की आजादी की लड़ाई में पूरे देश को संगठित करने में बापू गांधी और चरखे का बड़ा योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। खादी को लेकर गांधी जी के सपने को सूक्ष्म, लघु और मध्यम लोग वाले मंत्रालय के अधीन कर दिया। इससे धीरे धीरे खादी को लेकर लोगों का समर्पण भाव कम होता गया। खादी के महत्व को बचाए रखने के लिए समय समय पर खादी बचाओ जैसे आंदोलन भी हुए। वर्तमान में मोदी सरकार ने भी खादी के महत्व और उसको प्रोत्साहित करने के लिए काफी बल दिया। खादी का रिश्ता हमारे इतिहास और परंपरा से है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने खादी को एक अहिंसक और रचनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं बापू का सपना क्या था? बापू का सपना यह था कि सभी खादी ग्रामीण तथा स्वरोजगार आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में विकसित हो। अंत में मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की धोती पहने ऐसी थी बापू की शान। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।